शुभोदय बच्चों, सब बच्चे कैसे हैं? मैं सोचती हूँ सब ठीक है। तो हम पिछले वीडियो में पार्ट 3 शुरू कर चुके, मेरे हिसाब से पार्ट भी पूरा हो गया, मगर मैं फिर एक बार आपको पार्ट 3 समझाती हूँ। पार्ट 3 क्या है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस दोनों सहेलियाँ जाते रहते हैं, रोजी और सरिता। रोजी क्या है, आज तुम बहुत खुश हो? पूछती है रोजी। हाँ, आपको हमारे विद्यालय में आज एक विशेष कार्यक्रम है, स्पेशल प्रोग्राम, विशेष कार्यक्रम। क्या है ये विशेष कार्यक्रम? विशेष कार्यक्रम का मतलब क्या है? स्पेशल प्रोग्राम है। हाँ, तो आपके पाठशाला में भी हिंदी दिवस मनाए जा रहा है क्या, ऐसा पूछते हैं। हाँ हाँ, आपके पाठशाला, इसीलिए मैं तुझे बुलाई ताकि मुझे एक गाना सिखाओ, यानी हिंदी दिवस के बारे में एक गाना सिखाने के लिए बुलाती है। तो ये गाना क्या है? हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। क्या कहते हैं? हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ और सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। ये गाना गाते हैं, सिखाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 14 सितंबर, सितंबर का मतलब है सितंबर। क्यों इसी दिन की हिंदी दिवस क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि उसी दिन अपने संविधान में, हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। क्यों टीचर? उसी दिन हिंदी को ही क्यों अपनाना? दूसरे कोई भाषा है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, और एक भाषा है, उसको हम अपना सकते हैं ना, हिंदी को ही क्यों अपनाना चाहिए? इसका मतलब हमारे भारत देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है, बहुत सारे, पूरा भारत देश मिलकर किधर भी घूमो, थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलने वाले उधर हमको मिल जाते हैं, यानी हिंदी आने से हम इधर भी घूम सकते हैं। देखो, आप कन्नड़ा सीखे सिर्फ कर्नाटक में ही मालूम है, तमिल सीखे तमिलनाडु में ही जा सकते हैं, नहीं तेलुगु सीखे सिर्फ आंध्र तेलंगाना में ही घूम सकते हैं, मगर हिंदी जानने से इधर उधर सब जगहों पर हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं। इसीलिए बहुत बोलने वालों की संख्या, हिंदी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हिंदी को ही अपनाया गया। तो ठीक है टीचर, 14 सितंबर को ही क्यों, दूसरा और कुछ दिन बता सकते हैं ना, मना सकते हैं ना, ऐसा भी आप लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि हिंदी 14 सितंबर उसी दिन संविधान में, संविधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में 1949 14 सितंबर को हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया गया है, इसलिए हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे पाठशाला में भी मनाया जाता है, उस दिन आप लोगों को डिबेट, एसे राइटिंग सब कुछ रखते हैं ना, क्विज कॉम्पिटिशन, ये सब कुछ रखा जाता है, इसीलिए ये हिंदी दिवस है। तो पूछती है एक सहेली, पूछती है कि तो अच्छा है, तो फिर आप तुम हिंदी के बारे में आपके पाठशाला में भाषण कैसे दोगे? भाषण, भाषण का मतलब क्या है? स्पीच, स्पीच। अगर कोई, ये जैसा कोई आप लोगों को स्कूल में कुछ प्रोग्राम है तो आकर स्पीच देते हैं ना, बड़े लोग, हमारे सर लोग, टीम मैडम लोग आकर देते हैं, वैसा अगर हिंदी दिवस के बारे में तुम क्या बोलना चाहती हो? तो प्रधान अध्यापक जी एवं गुरुजनों, पहले क्या है, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, केरिंग अकेडमिक इंचार्ज बोलते हैं ना हम लोग, वैसा ही प्रधान अध्यापक जी और एवं गुरुजनों, गुरुजनों का मतलब क्या है? टीचर्स, टीचर्स और मेरे सहपाठियों, यानी मेरे साथ पढ़ने वाले साथी, सहपाठियों का मतलब क्या है? सह, मेरे साथ, पाठियों, पढ़ने वाले, मेरे साथ पढ़ने वाले, मेरे फ्रेंड्स को भी, अब सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों हम आज मिले इधर, हिंदी दिवस मना रहे हैं, इसीलिए सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं बता रही हूँ। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, इसे सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बाद क्या बोली होगी हम लोग सोच कर लिखना है, यहाँ तक कल हो गया है, इसके बारे में क्या लिखना है मैं आपको फिर बताऊँगी। हम देखिए टेक्स्ट बुक में आप लोगों को पहला बेट देखिए इधर, ऐसा किसने कहा, पाठ के आधार पर लिखिए, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, किसने कहा है? सरिता या रोजी? रोजी ने कहा है, नहीं, रोजी ने कहा है।
इधर क्या लिखना है आप लोग, पहले डैश में रोजी लिखना है, लेकिन तुम भी तो बताओ तुम भाषण में क्या कहोगी। इधर दिया गया है ना रोजी ने बताई, लेकिन तुम भी तो बताओ तुम भाषण में क्या कहोगी। यहाँ पे फिर से रोजी ने, कल एक विशेष कार्यक्रम है, सरिता ने बताई है, हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ। कौन बताए गए? सरिता ने बताई। नहीं, सरिता ने ही गाती है ना? नहीं, रोजी गाती है, रोजी ने ये गीत गाती है। इधर क्या लिखना? रोजी। क्या बात है सरिता, उसमें ही दिया गया है, रोजी ने कहती है। उसी की तैयारी चल रही है। कौन बताए? उसी की तैयारी चल रही है, सरिता ने बताती है। कहाँ से आ रही हो? रोजी ने बताती है। पहले लाइन में ही है ना, कहाँ से आ रही हो। क्या बात है सरिता, तुम आज बहुत खुशी हो, कहाँ से आ रही हो, पहला लाइन में है, रोजी बताती है। उसके नीचे प्रश्न दिया गया है, हिंदी सीखने के लिए आप क्या क्या करोगे, अपने घर में या आसपास रहने वाले किन किन लोगों से आप हिंदी में बात कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को मैं लिख के बताती हूँ। ये पाठ में प्रश्न बहुत बड़े बड़े होते हैं, सीखना ही पड़ेगा। इसके बाद वर्ग पहेली में कुछ भाषाओं के नाम दिए गए हैं, चुनकर लिखिए वर्ग पहेली। ये पहेली में लैंग्वेजेस नेम्स दिया गया है, जैसे तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, ये सब कुछ। देखिए आप लोगों को क्या क्या उदाहरण के लिए तेलुगु दिया है, नहीं? और एक लैंग्वेज क्या होता है आप लोगों को, पहला लाइन में ही हिंदी है, हिंदी है। उसके नीचे पंजाब क्रॉस है, देखो ऐसा क्रॉस में पंजाबी है, ऐसा क्रॉस में पहला जा भी ऐसा भी है आप लोगों को। उसके बाद लास्ट से सेकंड लाइन में उर्दू, उर्दू भी है। और उसके बाद मलयालम लास्ट लाइन, मलयालम। उसके नीचे इस तरफ से नीचे सिंधी, सिंधी और एक भाषा भी है आपको इधर, हाँ ठीक है बच्चों। उसके नीचे पाठशाला में मनाए जाने वाले किन्हीं चार कार्यक्रमों के नाम लिखिए, किन्हीं चार हमारे पाठशाला में मनाए जाने वाले किन्हीं चार कार्यक्रम, क्या क्या मनाते हैं हमारे पाठशाला में बताइए। क्या क्या कार्यक्रम मनाते हैं, मनाते हैं हमारे, क्या है क्या है? हिंदी दिवस, नहीं हिंदी दिवस, उपाध्याय दिवस, टीचर्स डे, उपाध्याय दिवस, पाठशाला की सालगिरह, सालगिरह का मतलब क्या है एनुअल डे, और एक गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस हो गए ना चार, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, नहीं मनाते हैं। हिंदी का महत्व बताते हुए अपने विचार लिखिए, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, बड़ा आंसर है। किसी एक बाल गीत का संकलन कीजिए, यहाँ पे किसी एक बाल गीत का संकलन यानी किसी एक छोटा सा गीत को आप यहाँ पे सोचकर लिखना चाहिए अपने ओन से, ठीक है बच्चों। और इसके नीचे आपको मालूम है ये क्या करना है, टिक लगाना है, इसी से आपको हिंदी दिवस का पाठ समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपको हिंदी का महत्व बताते हुए अपने विचार लिखे, यहाँ पे है ना ये प्रश्न, ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको स्मार्ट बुक में बताऊंगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको क्या है, चूहे को मिली पेंसिल, ये सिर्फ पठन हेतु है, इसके बारे में मैं बाद में आपको बताती हूँ। और आपके क्लासवर्क में क्या क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ अगले क्लास में, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।